रहमर रहीम नाजरीन आज का जो हमारा सबक है उसका फिर ताल्लुक़ है क्लाइंट सर्विस के साथ आपको याद होगा कि पिछले सबक में और पिछले लेक्चर में हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्लाइंट सर्विस के शोबे के बारे में तफसी गुफ्तू की आज हम उस गुफ्तू का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं मैं यहाँ यही बताना चाहूँगा कि बाज़ किताबों के अंदर अगर आप देखें तो एडवर्टाइजिंग के एजेंसी के शोबे को बाद किताबों में अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी बयान किया गया है मैंने शुरू में भी कहा था जब हम एडवरटाइजिंग एजेंसी की अकसाम पढ़ रहे थे कि कोई फिक्स फार्मूला स्ट्रक्चर नहीं है ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं एडवर्टाइजिंग की जो क्लाइंट सर्विस और अकाउंट्स को मिलाकर काम चला रही हैं और वो अपने क्लाइंट को अकाउंट भी कहते हैं कि फ़ला मेरा अकाउंट है फ़ला मशरूब के बनाने वाले मेरा अकाउंट है फ़ला जूते बनाने वाले मेरे क्लाइंट हैं वगैरह वगैरह तो बाद अका ये क्लाइंट की अतलाह और अकाउंट की अतलाह एक ही मानों में इस्तेमाल हो सकती है कुछ किताबों के अंदर और कुछ किताबों के अंदर क्लाइंट सर्विस को इलीह उन्होंने इस्तेमाल किया है और अकाउंट्स का एक अलहदा शोबा खोला हुआ है जिसको अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस और, और बुक कीपिंग का शोबा कहते हैं इनका ताल्लुक सैलरीज़ के साथ है बिलों के साथ है पेमेंट के साथ है पेमेंट की वसूलियों के साथ है वगैरह वगैरह तो यहाँ हम जब भी गुफ्तू करेंगे तो उसमें हमने ये कोशिश करनी है कि हमने अपने क्लाइंट्स को या अकाउंट को जो दूसरे मानों में हमारा गाहक है उसको किस तरीके से अपनी एजेंसी की तरफ खींच के लाना है कुछ तरीके हमने डिस्कस किए और आपने देखा कि कितना अहम है ये शोभा कि इस क्लाइंट सर्विस के लोग जो हैं अगर वो एक्टिव ना हों तो पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर जमूत तारी हो जाए ये बैठ जाएगी एजेंसी लिहाजा लोग क्लाइंट सर्विस में जिन अफराद को भर्ती करते हैं उनको ये टास्क दिया जाता है और यही वजह है कि ये भी हाई पे मास्टर इनको भी अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती हैं क्योंकि इन्होंने बिज़नेस लेके आना होता है अगर ये लोग फिट ना हों अगर इनको नए क्लाइंट्स को अपनी तरफ रागब करने के मेकनिज़म से आगही ना हो और ये लोग हुसन अखलाक के मालिक ना होंसन कलाम से आगा ना हो बल्कि किसी हद तक तो मैं ये भी कहूँगा कि ये अपीलिंग पर्सनैलिटी के मालिक हों तो कोई इन्हें मिले आकर तो वो इनका गर्विदा हो जाए वो इनसे भाग ना जाए बाद जो कि विंडो डिस्प्ले है ये किसी भी एडवर्टाइजिंग का विंडो डिस्प्ले है कि लोग इस खिड़की से देख कर उस दुकान के अंदर दाखिल होना चाहेंगे अगर खिड़की पर आपकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होगी लोग वहीं से लौट जाएंगे। इस बात की, की कोई वो तकलीफ गवर नहीं करेंगे कि इस दुकान के अंदर कितना अच्छा माल पड़ा हुआ है तो ये बहुत डिपेंड करता है कि ये फ्रंट लाइन पीपल हैं जिन्होंने क्लाइंट को भागने नहीं देना बाद अवत क्लाइंट आपके पास खुद आता है बाद अवत आप खुद क्लाइंट के पास जाते हैं ये सब बातें इसके तरीक़ों पर हमने बात की हमने उन तरीक़ों में रेफरेंस का तरीका हमने पढ़ा फिर हमने इस पर बात की कि बात अकात एजेंसी की अपनी रेपुटेशन होती है लोग उस शहरत की बुनियाद पर जाते हैं कि फ़ला एडवर्टाइजिंग एजेंसी सुना है बहुत ज़बरदस्त है हमने बिजनेस उनको देना है और बात अकात आप कोरे होते हैं आप कहते हैं कि यार मैं तो मेरिट पर जाऊँगा मैं इसको बेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एजेंसियाँ आएँ और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दें जिसकी प्रेजेंटेशन हमारे लिए अपीलिंग होगी हम उसे कबूल कर लेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी सलाहियतें मनवाने का और उसके इज़हार का बेहतरीन मौका मिलता है कि अगर आपकी कोई रेफरेंस में कमी है आपकी कोई पर्सनल रिलेशन में कमी है आपकी पीआर इतनी स्ट्रांग अगर नहीं भी है तो आपकी प्रेजेंटेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आप इन सारी कमियों को इन सारी डेफिशेंसीज़ को पूरा कर सकते हैं अपने इजहार के ज़रिए अपने बयान के ज़रिए अपने दलाल के ज़रिए अपने उस काम के ज़रिए जो आपकी एजेंसी ने माजी में या हाल में अपने ग्राहकों के साथ इश्तहारों की सूरत में परफॉर्म किया है आप ये कहते हैं कि देखें जी ये हमारी परफॉर्मेंस है ये इश्तहार ये हम हैं ये हमारा करेक्टर है फिर इसके अलावा देखिए हमने कई बातें यहाँ डिस्कस की आपके एथिक्स कैसे मैटर करते हैं कि आपके अगर अखलाकियात अच्छे हैं आप प्रोफेशनल एथिक्स पे यकीन रखते हैं तो किस तरीके से अपने ग्राहक को आप लॉयल करते हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर क्लाइंट सर्विस की जिम्मेदारी क्या है सर्च ऑफ न्यू क्लाइंट्स नंबर वन कैन कीप द ओल्ड क्लाइंट्स लॉयल टू योर एजेंसी ये दोनों काम बड़े अहम हैं ये नहीं है कि आप नए क्लाइंट्स को तलाश करते चले जा रहे हैं और पिछले क्लाइंट्स आपको छोड़ते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है आपका दूसरा पार्ट जो है वो कमज़ोर है आप अपनी लॉयल्टी को अपने क्लाइंट्स के साथ कायम रखने में नाकाम रहे हैं इसकी बाकायदा एक तकनीक है इसकी स्ट्रेटजी है वो क्लाइंट सर्विस के बंदों को आनी चाहिए तो गुजारिश यह है कि बुनियादी तौर पर हमने कहा कि एजेंसी की मुशियात और एजेंसी का मुस्कबिल क्लाइंट सर्विस की परफॉर्मेंस पर मुनसर होता है जो बातें हमने पहले तय की और पढ़ी आकर जैसे मैंने गुजारिश की रेफरेंस आ गया रेपोटेशन आ गई प्रेजेंटेशन आ गई फिर आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके फ्रेंड्स आ गए और फिर कम्युनिटी को जो आप सर्विस देते हैं कम्युनिटी के अंदर आप रहते हैं कम्युनिटी के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है वन टू वन कैसे है आप इस्टबलिश कैसे करते हैं आप अपनी इन रोड्स कैसे बनाते हैं इन रोड्स बनाने के बाद आप उसके साथ विन विन अप्रोच कैसे उस तल्लत को कन्वर्ट करके विन विन अप्रोच में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर किस तरह आप बिजनेस लेते हैं आप जब कम्युनिटी रिलेशनशिप में आते हैं आप सेमिनार को स्पॉन्सर करते हैं आप मेलों मेलो ठेलों को स्पॉन्सर करते हैं आप बच्चों के प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं आप एजुकेशन के प्रोग्रामों में आते हैं आप इस मुल्क के कल्चर और आर्ट को फ़रोग देते हैं तो दरअसल आप अपनी एजेंसी को फ़र्क दे रहे होते हैं ये जो स्पॉन्सरशिप आप दे रहे होते हैं चीज़ों को दरअसल अपनी एजेंसी को जो है फ़रूक दे रहे होते हैं लोगों को ये पहचान मिलती है आपकी एजेंसी की कि इतना अच्छा काम फला एजेंसी ने किया है तो दरअसल ये चीज़ें रायगा नहीं जाती ये फ्री आप सर्विस देते हैं आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की मावनत करते हैं लेकिन दरअसल आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो नाजरीन इन गुफ्तुओं के साथ आज हम दूसरा हिस्सा जो पढ़ रहे हैं उसमें जो आज हम गुफू करेंगे वो इसी इसी गुफगू को बढ़ावा देने के लिए कुछ और नुकात हैं जिन्हें हम डिस्कस करना चाहेंगे सर्विसाइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग फॉर न्यू बिजनेस लेसर नोन एजेंसीज मस्ट टेक ए मोर एग्रेसिव अप्रोच ये मैंने शुरू में बर्स किया कि एक एजेंसी जिसकी रेपोटेशन बहुत अच्छी है उसको शायद ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन नाजरीन इसको फार्मूला भी ना समझें बाजात जब क्लाइंट बहुत बड़ा हो तो फिर उस वेल रिप्यूटेड एजेंसी को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और एग्रेसिव अप्रोच के साथ सामने आना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ये जो नई एजेंसी है जो छोटी एजेंसी है ये ग्रोइंग स्टेज से गुजर रही है लिहाजा इसको बड़ी एग्रेसिव कंपेन करने की ज़रूरत है अपने आप को मनवाने के लिए और जनवाने के लिए कि हेर वी आर हम हैं हम ये हैं और हम ये हैं और हम ये हैं, हम ये हैं। एक अग्रेसिव कम्पेन आप करते हैं बर्स्ट ऑफ एक्सपोजर अपनी एजेंसी के आप जो है वो चलाते हैं ब्रोशर बनाते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं लोगों से कांटेक्ट करते हैं पीआर करते हैं वन टू वन जा कर मिलते हैं परस करते हैं मुख्तलिफ़ बिजनस मैन से जाकर आप टीम की सूरत में जाकर बताते हैं कि तो हजूर आपने ये बिज़नेस फला एजेंसी को दिया है आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन इतने साल से एजेंसी के पास है हमने एक स्टडी करवाई है हमने ये स्टडी करवाई है और स्टडी के मुताबिक आपकी कैंपेन में ये ये खामियाँ हैं आप आइडेंटिफाई करके उन्हें एहसास दिलाते हैं कि देखें जी आपकी कैंपेन जो है उसमें ये ये लकूनाज पाए जाते हैं हम ये चाहेंगे कि एक चांस हमें दीजिए हम आपकी कैंपेन को इन बेहतर अंदाज में बेहतर नतज के साथ आपके सामने पेश करेंगे वो कहते हैं आप प्रेजेंटेशन दीजिए इस तरीके से अपना आप पर एक तल्लुक पैदा करते हैं और फिर आप प्रेजेंटेशन के अंदर अपने आप को डिमॉन्सट्रेट करते हैं और आगे फिर प्रेजेंटेशन के अपने तकासें आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आप उस क्लाइंट को जीत लेंगे तो मैंने बताया कि असल में एक अग्रेसिव कम्पेन का मतलब यह है कि आप अपनी एजेंसी के दफ्तर से निकल कर मुख्तु बिजनेस कम्यूनिटी के लोगों के साथ मैनुफेक्चरर्स के साथ प्रोड्यूसर के साथ रबते करते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं उनके साथ अपॉइंटमेंट करते हैं उनके रेफरेंस ढूंढते हैं आकर ताल्लुक वाले बंदों के साथ जाते हैं लिटरेचर आपके पास होता है तैयारी करके जाते हैं कि आपने बात क्या करनी है किसी का वक्त ज़ाया नहीं करना मुख्तर अल्फाज में किस तरीके से अपनी एजेंसी को आपने प्रोजेक्ट करना है उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं उन्होंने कोई कैंपेन मार्केट में लॉन्च पहले की हुई है कि नहीं की हुई की हुई है तो वो कैसी कैंपेन है एक बर्ड व्यू दें आप एक क्रिटिकल व्यू दें उन्हें पता लगे कि ये काम जानते हैं और ये हमारी कैंपेन में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं देखें इन्होंने हमारी कैंपेन को मॉनिटर किया है देखें इन्होंने हमारी कैंपेन को एवेलुएट किया है और आप उनको इन राइटिंग देते हैं कि देखें इस पर गौर फरमाइए आपकी कैंपेन के साथ साथ ये ये खराबियाँ और ये ये कमज़ोरियाँ वापस्ताएँ आइए हमें मौका दीजिए हम आपकी कैंपेन को फिक्स करेंगे और नए सिरे से इसको लॉन्च करेंगे तो ये वो एक अग्रेसिव कैंपेन से मुराद मेरी है ये कहने को एक जुमला है लेकिन इसे कंपोजिशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज रिगार्डिंग क्लाइंट सर्विस जो आप सारी की सारी इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको मतलूबा नतज हासिल हो सके एंड एजेंसी में सॉलिस न्यू बिजनेस बाई एडवरटाइजिंग राइटिंग लेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड टूडे मोर एजेंसीज आर एडवर्टाइजिंग मुख्त तरीके बताए गए उनमें से ये बताया कि बहुत सारी एजेंसियाँ अपने आप को एडवरटाइज करने के लिए बाकायदा कैंपेन चलाती हैं। और तो 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 एक एजेंसी वो उसका नाम अगर कांटेक्ट है फर्ज किया वो अपने आप को कहती है आस, वी विल कांटेक्ट अदर्स फॉर यू आप हमसे कीजिए, हम आपके लिए दूसरों से रता करेंगे दूसरों से मुराद मीडिया से रता करेंगे और आपके कस्टमर से रबा करेंगे बिकॉज यू डोंट मैन्युफैक्चरर यू आर प्रोड्यूसर आपके पास इतना टाइम कहाँ वी आर professionals, हम प्रोफेशनल हैं एंड एडवरटाइजिंग इज़ नॉट एवरीबडीज़ का पॉप्टी आप हमसे रबता करें एंड वी विल गेट द जॉब डन फॉर यू तो ये वो चीज़ें हैं जो अपनी कैम्पेन में फिर अपनी कैम्पेन के अंदर मैंने बताया कि वो कोलाज बनाते हैं और वो उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं अच्छी अच्छी कैम्पेन जो उन्होंने चलाई होती हैं उसके एक सिलेक्शन बनाते हैं और वह लेकर जाते हैं और बताते हैं कि देखें ये हम हैं फिर उन्होंने अपनी खुद विजुअल्स बनाई होती हैं खुद उन्होंने कमर्शियल बनाई हुई है खुद उन्होंने ऑडियो वीडियो प्रजेंटेशन बनाई हुई है जिसमें प्रेजेंटेशन के दौरान वो बताते हैं कि कितनी अहम और कितनी इम्पोर्टेंट ये एजेंसी आपके लिए हो सकती है किस तरह ये मुफीद हो सकती है तो ये सब चीज़ें एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपनी प्रमोशन के तरीके भी इख्तियार करती है मैनी एजेंसीज सबमिट देयर बेस्ट एड्स टू कॉम्पिटिशन्सराउंड द वर्ल्ड टू विन अवार्ड्स एंड गब्लिसिटी एंड प्रोफेशनल रिस्पेक्ट फॉर देयर क्रिएटिव एक्सीलेंस एक और तरीका भी है एजेंसियाँ जिससे अपनी रेपटेशन जो है वो उसको बढ़ावा देती हैं वह है कि ये एवार्ड सेरेमनी में कम्पटिशन में जाती हैं दुनिया भर में एडवरटाइजिंग कम्पटिशन होते हैं इंटरनेशनल अवॉर्ड भी होता है पाकिस्तान के अंदर भी होता है पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन वाले ये मुकाबला करवाते हैं बाद साल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी वाले भी जो है वो बेस्ट एडवरटाइजिंग एजेंसी को अवार्ड देते हैं तो मुख्तलिफ़ एडवरटाइजिंग एजेंसीज़ उसमें उस कंपटीशन में, में हिस्सा लेती हैं लेकिन पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग एजेंसी अच्छे से फ़ायदा क्या होता है जब पता लगता है कि फ़लाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वर्ल्ड एवार्ड मिला है फ़लाँ एवॉर्ड मिला है तो वो अपनी इस प्रोशर के अंदर उस कलाज के अंदर उसका तस्करा करते हैं कि हमारी एजेंसी हमारी कंपनी वो कंपनी या एजेंसी है जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हमारी एजेंसी वो एजेंसी है जिसे पाकिस्तान एडवरटाइजिंग एसोसिएशन का अवार्ड मिल चुका है फ़लां फलाई ईयर का फलां फलाई ईयर का फिर लोग ये भी देखते हैं बिजनेस देने वाले कि ठीक है 1980 में तो इसको अवार्ड मिला था लेकिन 1980 से लेकर 2013 तक कभी इसको अवार्ड नहीं मिला तो वो देखेंगे कि पिछले दो तीन वर्षों में कौन सी एडवरटाइजिंग एजेंसी है वो नंबर वन जा रही है कौन सी एजेंसी नंबर टू जा रही है कौन सी एजेंसी नंबर तीन जा रही है यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा नाजरीन आपकी दिलचस्पी के लिए और मालूम के लिए पाकिस्तान के अंदर ये फैसला करना कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी नंबर वन है ये ज़रा मुश्किल काम है और ये सियासी काम है क्योंकि ये मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशन और मीडिया के लोग इन सब का ताल्लुक एडवर्टाइजिंग एजेंसीयों से है एडवर्टाइजिंग एजेंसीय का ताल्लुक मीडिया से है इनका एक ताल्लुक है इसका ताल्लुक बीच में बिजनेस है तो बिज़नेस जो है कहीं कही ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है तो वो किसी एक एजेंसी के हक में अपना वज़न नहीं डालना चाहते और ना कोई एजेंसी किसी एक मीडिया की तरफ ढलकना चाहती है तो इन्होंने एक दरमियाना तरीका अख्तियार किया जो मेरी राय में एक दरमियाना तरीका जो इन्होंने अख्तियार किया वो ये किया है कि बजाय इसके कि किसी एक एजेंसी को ये अवार्ड दें इन्होंने ये काम पकड़ा है कि जी मुख्तलिफ सेगमेंटेशनल कंपटिशन शुरू करवा दिए हैं कि जी के बेस्ट कापी राइटर्स इस एजेंसी का है तो वो देखते हैं कि जी स्लोगन खुला एजेंसी का जो लोग कंपटीशन में आते हैं वो बकायदा अपने मारूज़ात जमा कराते हैं कि हम इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और हमारी कॉपी ये है हमने जो स्लोगन बनाया है वो ये है जो हम कंपटीशन में भेज रहे हैं तो उन्होंने कहा जी कि एक अवार्ड तो ये बना दें कि जी बेहतरीन स्लोगन बेहतरीन कापी राइटर एजेंसी को अवार्ड जाता है फिर किसी ने कहा जी बेहतरीन आर्ट वर्क का इलादा कर दें उन्होंने तो कहा जी आर्ट हो सकता है कि एक एजेंसी का का स्लोगन सबसे अच्छा हो लेकिन आर्ट वर्क अच्छा ना हो आर्ट वर्क और प्रोडक्शन वर्क किसी और एजेंसी का अच्छा है तो उन्होंने कहा जी आर्ट वर्क के अतबार से एक और अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है बेहतरीन आर्ट वर्क और प्रोडक्शन वर्क फला एजेंसी एक्स वाई जी एक अवार्ड ये हो गया ये तो किसी ने कहा जी कि इसके अलावा और मुख्तल अवार्ड्स बना दिए जाएं मुख्तलिफ़ सेगमेंट ले लिए के बिजनेस के अतबार से कि किस एजेंसी को सबसे ज़्यादा बिजनेस मिला फला एजेंसी को सबसे ज़्यादा बिजनेस मिला अब बिज़नेस के अंदर यह है कि जिसकी हुकूमत के साथ पी आर अच्छी है उसको हुकूमती बिजनेस मिल जाता है नॉट बेस्ड ऑन रेपूटेशन नॉट बेस्ड ऑन मेरिट समस्ड ऑन पी आर लेकिन बाहर उन्होंने कहा कि बिज़नेस के अतबार से इरादा कर दें आप ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें डायरेक्शन के हवाले से लोगों ने तय किया स्लोगन के हवाले से तय किया क्लाइंट सर्विस के हर जगह पर उन्होंने रिसर्च के हवाले से देखा फिर यह कि कंप्यूटर एडिटिंग कैसे की गई एडिटिंग वर्क किसका सबसे बेहतर था शूटिंग किसने अच्छी की टीवी कमर्शियल किसका फिर अखबारी कमर्शियल पे आ गए प्रिंट जो है अपने इश्तहार किसका अच्छा है फिर रेडियो का इश्तहार किसका अच्छा है तो मुख्तलिफ़ सेगमेंट में बांट कर इन्होंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीियों को खुश करने की और मतमिन करने की कोशिश कर दी इस तरीके से ऊपर की काफ़ी एजेंसियाँ कोई ना कोई एजेंसी के पास कोई ना कोई अवार्ड चला गया यूँ सारे के सारे मतमिन हो गए सारे के सारे खुश हो गए और इस तरीके से एजेंसीयों को प्रमोट करने का एक बहाना मिल गया तो अवार्ड जो है बहरहाल एजेंसीयों को एडवर्टाइजिंग की कंपनियों को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करता है जिसकी बुनियाद पर उन्हें शहरत हासिल होती है और शहरत बहरहाल बिजनेस को बढ़ावा देने में मावनत करता है स्टेज इन क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस द लाइफ साइकिल ऑफ द क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप हैज फोर डिस्टिंक्ट स्टेज नंबर वन प्री रिलेशनशिप नंबर टू डेवलपमेंट नंबर थ्री मेंटेनेंस एंड फाइनली टर्मिनेशन ये चार स्टेज़ बयान की गई हैं क्लाइंट की रिलेशनशिप के हवाले से एक रिलेशनशिप जो प्री रिलेशनशिप रिलेशनशिप से पहले की स्टेज है उसके बाद में एक डिवेलमेंट की स्टेज बयान की गई है और उसके बाद में इसको मैंटेन करने की मैंटेनेस की स्टेज है का मरला आता है और एक मरला ये भी है कि जब ये ताल्लुक टर्मिनेट हो जाते हैं ड्यू टू बंच ऑफ रीजन आइए इस पर हम गुफगू करते हैं प्री रिलेशनशिप स्टेज दैट इज स्टेज नंबर वन द्री रिलेशनशिप स्टेज अकर्स बिफोर एन एजेंसी एंड क्लाइंट ऑफिशली डू बिजनेस दे मे नो इच अदर बाई रेपोटेशन बाई प्रीवियस एड्स और थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट अब यहाँ ये यह कहा जा रहा है कि जब हम कहते हैं कि प्री रिलेशनशिप इसका मतलब ये नहीं कि वो गुफ्तु नहीं करते जानते नहीं है एक दूसरे को सिर्फ ये है कि उनकी रिलेशनशिप बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट नहीं हुई होती यानी कोई उन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता उससे पहले जितने भी उनकी रिलेशनशिप है इसको कहा गया है प्री रिलेशनशिप स्टेज कि ये वो स्टेज है ये वो मरल है कि उनके ताल्लक हो सकते हैं समाजी तौर पर एक दूसरे को जान सकते हैं और शहरत के हवाले से एक दूसरे को जानते हों बंदे की शहरत ऐसी हो सकती है कि लोग जानते हैं या वो परफॉर्मेंस के जरिए एक दूसरे को जानते हों इसकी कई वजूहत हो सकती हैं तो उन्होंने कहा कि ये स्टेज नंबर वन है और स्टेज नंबर वन जो है ये ये प्री रिलेशनशिप है और प्री रिलेशनशिप मुराद ये कि जब ये सारे ताल्लुक़ दस्तखत होने से पहले बिजनेस पर साइन होने से पहले तक की जितनी भी गुफ्तु निकत आप जो कम्युनिकेशन है उसको उन्होंने कहा कि ये प्री रिलेशनशिप स्टेज है थ्रू दिप्रेजेंटेशन प्रोसेस द एजेंसी प्राइस टू गिव देश इंप्रेशन इट कैन बिकॉज इट इज़ सेलिंग एंड द क्लाइंट इज़ बाइंग कहते प्रजेंटेशन एक, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर एजेंसी जो है वह सेल करती है अपने आप को और क्लाइंट उसे खरीदता है याद ये सारा काम जो उन्होंने कहा कि ये बिजनेस साइन होने से पहले बिजनेस शुरू होने से पहले ये सारी की सारी स्टेज नंबर वन जिसको वो प्री रिलेशनशिप स्टेज कह रहे हैं उसका हिस्सा है एक दूसरे को जान लें एक दूसरे से सवाल कर लें एक दूसरे से गुफ्तू कर लें और उसके बाद में जब वो फाइनल कर लें तो उसके बाद में दूसरी स्टेज शुरू हो जाएगी जिसका तस्करा भी आएगा जिसको हम डिवेलपमेंटल स्टेज कहते हैं दी डिपमेंट स्टेज स्टेज नंबर टू वंस द एजेंसी इज अपॉइंटेड द डिवेलपमेंट स्टेज बिगेंस ऑबियसली जब आपने नगोसिएशन कर लिए जब आपने दूसरे से बातचीत कर ली जब प्रेजेंटेशन के अंदर बहस हो गई प्रेजेंटेशन का रिव्यू हो गया उसके अंदर अमेंडमेंट हो गई उससे पसंद और नापसंद की बात हो गई उस पर जो इतराज़ा थे वो दूर हो गए दोनों तरफ से चीज़ें म्यूचुअली एग्रीड हो गई अब आपने एक साइन कर दिए एग्री करने के बाद नाउ यू आर इन बिजनेस एंड इट मीनस बिजनेस दिस इज़ कॉल्ड डिवेलपमेंट स्टेज अब आप डेवलपमेंट स्टेज में दाखिल हो गए ड्यूरिंग दिस स्टेज द एजेंसी एंड क्लाइंट आर

उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज द रूल्स ऑफ द रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश द रिस्पेक्टिव रोल्स गेट सेट क्विकली द ट्रू पर्सनैलिटीज ऑफ ऑल द प्लेयर्स कम आउट एंड द एजेंसी क्रिएट्स द फर्स्ट वर्क ये जो स्टेज है डेवलपमेंटल स्टेज असल में ये जितनी गुफ्तु हमने प्री रिलेशनशिप स्टेज में की होती है ये गुफ्तु इट इज़ ट्रांसलेटे इन टू रियलिटी अब ये हकीकत के रंग में सामने आ रही होती है जो चीज़ें ख़दोख़ाल तय ही होते हैं वो हकीकत के रंग में सामने आने शुरू करते हैं तो लिहाजा तमाम शख्सियात तमाम पहलू काम के वो नुमाया होने शुरू हो जाते हैं सामने आने शुरू हो जाते हैं आकर और सबसे पहला मुजाहरा एजेंसी को करना पड़ता है चूँकि एजेंसी ने इसको डिमॉन्सट्रेट करना होता है एजेंसी के अफराद और इसमें काम करने वाले परफॉर्मर्स इसके आर्टिस्ट इसके कापी राइटर्स इसकी टीम ये मुजाहरा करती है उस सारी गुस्त के नतीजे में जो चीज़ तय हुई होती है उसको डिमॉन्सट्रेट करके अमली शक्ल में सामने लेके आती है पहल इन्होंने करनी होती है और क्लाइंट क्या होता है क्लाइंट उसे मॉनिटर करता है क्लाइंट उसे वॉच करता है कि ये जो चीज़ पेश कर रहे हैं ये जो टीम पेश कर रही है क्या ये उसी माहदे के मुताबिक है जो इन्होंने हमारे साथ तय किया था क्या ये उसी ख्याल के मुताबिक है जो ख़्याल हमने मिलकर म्यूचुअली अप्रूव किया था उसे कंसेंट दी थी लिहाजा आगाज़ जो होगा वो एजेंसी के काम से होगा और उसे मॉनिटर करेगी क्लाइंट्स की टीम एट दिस पॉइंट द एजेंसीज़ आउटपुट इज़ ईगरली वेड एंड देन इज़ जज्ड वेरी थारोली मैंने गुजारिश की आपको कि स्टेज पर एजेंसी की परफॉर्मेंस सामने आएगी और वह परफॉर्मेंस सामने आएगी और वो जज की जाएगी थारोली इट विल बी एग्जाम एवेलुएटेड मोनिटर्ड बाई होम बाई द टीम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द क्लाइंट जिन्होंने पैसा खर्च किया है जिन लोगों ने पैसा दिया है जिन लोगों का ये काम है जिन लोगों की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग स्टेक पर है जो आपसे काम चाह रहे हैं तो वो ये देखेंगे कि हजूर क्या आपका काम वैसा ही जिसका आपने दावा किया था क्या आपने काम वही किया जो ब्लैक एंड व्हाइट में तय हुआ था क्या ये अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है क्या जो आपने वादा किया था कि फलां तारीख तक ये काम इतना काम हो जाएगा उतना काम फलां तारीख तक हो गया है अगर नहीं हो सका तो उन्हें पहला इंप्रेशन मिलेगा कि ये लोग वक्त के पाबंद नहीं हैं ये टाइमली काम नहीं करते ये कहते कुछ हैं कि पच्चीस तारीख तक इतना काम हो जाएगा इनसे तो इतना काम भी नहीं हो सका ये सब चीज़ें मॉनिटर करने वाले लोग थारोली एग्ज़ाम करने वाले लोग इवेलूट करने वाले लोग बैठे हैं उनकी बारी ये होती है कि आपने एजेंसी के लोगों ने परफॉर्म करना है उनकी सारी पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी और उसको एवेल्यूट करने वाले बंदे बैठे हैं जो इसको मॉनिटर करेंगे और इवेल्यूट करेंगे और जज करेंगे कि काम कैसा हो रहा है द एजेंसी ऑल्सो डिस्कवर्स हाउ रिसेप्टिव द क्लाइंट इज़ टू न्यू आइडियाज़ हाउ इजी द क्लाइंट स्टाफ इज टू वर्क विद एंड हाउ वेल द क्लाइंट्स पेज द बेल ये दोनों चीज़ें हैं कि आप ये भी देखते हैं कि क्लाइंट जो है उसके अंदर क्या टेंडेंसी क्या वो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है ये बड़ा अहम सवाल है मैं नाजुरी यहाँ थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा कि आप फर्स्ट किया आप प्रोफेशनल हैं आप अपने क्लाइंट को एक आइडिया देते हैं पहले आप क्लाइंट से पूछते हैं आप क्या चाहते हो क्लाइंट कहता है जी मैं ये चाहता हूँ कि इस ऐड के अंदर ये हो ये हो ये हो ये हो फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहता है कि इस ऐड के अंदर मेरा भतीजा भी जो है वो दिखाएं आप उसको बड़ा शौक है वो किसी इश्तहार में आए और ये इश्तहार तो मैं चाहता इसलिए हूँ कि जी मेरा भतीजा जो हो किसी तरह उसकी शक्ल जो है वो पाकिस्तान के चैनल्स पर और आ, नुमाया हो लोगों से देखे अब ये पार्टी बहुत बड़ी है आपके पास आप इसे लूज़ भी नहीं करना चाहते और उसका भतीजा जो है उसकी शक्ल ऐसी नहीं है कि जिसको किसी तरह भी रिकमेंड किया जा सके अब आपके सामने दो सवाल हैं कि प्रोफेशनली आप इसे रिकमेंड नहीं कर रहे आप कोशिश करके देखते हैं कुछ तरह की बात करके जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कुछ नए आइडियाज़ जो आप लेके आ रहे हैं क्या उसके लिए आपका क्लाइंट रिसेप्टिव है वो जिद कर रहा है उसकी एक ही जगह सुई अड़ी हुई है वो प्रोफेशनली अच्छा आदमी नहीं है वो सिर्फ मालदार आदमी है उसको बस पड़ी हुई है कि मेरा भतीजा, मेरा 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 चाचा, मेरा मामा वो में आए। आप kind of आप क्या करते हैं? आप उसे indirectly handle करते हैं? हैं। उसे बाद आपके पास जवाब नहीं होता हाउ टू हैंडल दिस क्लाइंट आप कहते हैं बड़ा अच्छा आइडिया है हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं आप हमें अगर कल का टाइम दे दें कल या परसों कन्वीन हो और हम कुछ और एक्सपर्ट बुला लें उनसे भी राय ले लें आकर हो सकता है वो बेहतर आइडिया दे सकते हो जब आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और अपने ऐडिटोरियम में छोटे ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन देते हैं और मुख्त स्टोरी बोर्ड बनाते हैं जिसमें आप क्लाइंट के भतीजे को भी दिखाते हैं अगर आप कहेंगे कि आपका भतीजा इस काबिल नहीं है तो वो इश्तहार में आए बल्कि इससे इश्तहार ख़राब होगा तो वह बुरा मना जाएगा वो भाग जाएगा आपको छोड़कर ये बात आप ना कहिए आप उसे कई आइडियाज़ देखेंगे देखें एक आइडिया ये है जिसमें उसका भतीजा दिखाया जाता है एक आइडिया और दिखाते हैं जो उससे बेहतर है एक आइडिया और दिखाते हैं जो उससे बेहतर है वहाँ बैठे हुए लोग जो एक्सपर्ट हैं आप राय लेते हैं आप कहते हैं देखिए ये एक्सपर्ट बैठे हैं ये माहरीन है हाँ जी माहरीन आपकी क्या राय है उन्हें नहीं पता इसमें इनका भतीजा भी है वो तो ये कहते हैं जी इसको तो छोड़ें ये वाली ऐड जो नंबर तीन जो आपने दिखाया आइडिया ये बेहतर है दूसरा भी कहता है ये तीसरा आइडिया बेहतर है तीसरा स्पर्ट भी कहता है ये आइडिया बेहतर है तो फौरी तौर पर बाद तो मालिक जी देखो जी ये तो माहरीन है ये बेहतर जानते हैं इनकी बात माने जी ठीक कह रहे हैं ये मैं एग्री करता हूँ हो सकता है कि वो अपने जेन के अंदर उसमें शिफ्ट आ जाए और वो माइंड सेट के साथ बैठा था तो उसे अपने भतीजे को ज़रूर दिखाना है वो खुद ब खुद आपसे कहे कि नहीं यार वो छोड़ें इसको जो मैं कल कह रहा था आप ये बनाएं आप जैसे ये माहरीन कह रहे हैं तो ये चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं और जब आप वो क्रिटिसाइज करते हैं अगर वो जिद करे तो उनसे कहेंगे कि ये तो आर्ट बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि जो तो दिखाई जा सके तो दिस इज तो द वे यू हैंडल द क्लाइंट आप इनडायरेक्टली पोलाइटली अपने क्लाइंट को हैंडल करते हैं लेकिन आपको पता लग जाता है कि कितना फ्लेक्सिबल है ये न्यू आइडियाज़ के बारे में उसी के मुताबिक आप डोज देते हैं अगर आप समझते हैं कि ये इनफ्लेक्सिबल है तो इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है एंड समाइम आपकी पॉलिसी होती है कि कंप्रोमाइज़ कर जाओ क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है हमने इस पार्टी को लूज़ नहीं करना और अगर पार्टी बहुत बड़ी नहीं है तो फिर अपनी एजेंसी के स्टैंडर्ड को गिरने ना दें क्योंकि आपके कोलाज में ऐसी एड की कोई गुंजाइश नहीं है जिसके अंदर नॉन प्रोफेशनल अप्रोच के साथ कोई इश्तहार बनाया जाए नाजीन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कम्प्रोमाइज़ कहाँ करने की गुंजाइश है और कहाँ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने की नहीं है मेंटेनेंस स्टेज द द ईयर ईयर इन आउट डे टू डे वर्क इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड द मेंटेनेंस स्टेज आपकी डे टू डे रिलेशनशिप है साला साल आ साल गुजर जाता है आप अपने तालुक को कैसे मुस्तकम रखते हैं कैसे मेंटेन करते हैं यही तो चैलेंज है लोग आपसे तंग ना आ जाएं और आप लोग अपने क्लाइंट की तरफ बोर ना हो जाएं कि छोड़े यार इतना पुराना क्लाइंट है उसने कहाँ जाना है हमारे साथ ही रहेगा नहीं नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू योर ओल्ड कस्टमर्स उनको हर मरतबा नए अंदाज में आपने मिलना है उनके सोच को उनके आपके रिलेशनशिप को जवान रखना है उसमें ताजगी को बरकरार रखना है यही तो चैलेंज है इस चैलेंज को कबूल कीजिए और अपने रबते पहले से ज़्यादा मजबूत रखिए रबों की कई अशिकाल हो सकती हैं जिस पर तफसी बहज की जा सकती है और यह, यह आपको एक्सरसाइज भी दी जा सकती है कि बताइए इन रबतों को मेंटेन करने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए क्या क्या समाजी तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं इस पर बात हो सकती है तो लिहाजा जो तो बुनियादी बात है सर्च ऑफ न्यू क्लाइंट्स एंड कीप योर ओल्ड क्लाइंट्स लॉयल टू योर एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आगे देखें कि वेन सक्सेसफुल इट मे गो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स अगर ये कामयाब हो तो आप देखते हैं कि सारा साल तक ये ताल्लुक चलते हैं ये ख़त्म नहीं होते तो ये कई मिसालें दी जा सकती हैं यहाँ देखें कई मिसालें दी गई हैं ये है आपके सामने ये कई कंपनियों के नाम दिए गए इस कंपनियों के नाम देखें थॉमसन के नाइन्टी टू ईयर्स की रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली बताया गया है दी एवरेज क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप इज़ मच शॉर्टर और सेवन और एट ईयर्स इससे ज़्यादा नहीं होती लेकिन इसको मैनेज करना भी एक मुश्किल काम हो गया है इसलिए कि हम मेहनत नहीं करते हम हम देखते हैं इस चीज़ को रूटीन में कि जैसे एक लेक्चर है वो जब नया नया आता है वो पढ़ाता है एक नया लेक्चर को लेक्चर तैयार करता है उसको बड़ी मेहनत से तैयार करता है अगले साल उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करता है फिर इंप्रूवमेंट करता है फिर पाँच साल के बाद कोई पुरानी चीज़ों पर गुजारा करता है कोई तो मेहनत नहीं करता लेक्चर और टीचर यूनिवर्सिटी का ख़ास तौर पर उसको हर लेक्चर देते वक्त ये सवाल करना चाहिए कि उसने क्या अपने लेक्चर को अपडेट किया क्या इसमें नई चीज़ कौन सी पैदा की पहले और आज के लेक्चर में और इल्म में कोई फ़र्क आया कि नहीं आया फिर उसका पढ़ाने का नया अंदाज़ क्या है वो अपने आप को ताज़ा रखे आगे अपने इल्म को भी ताज़ा रखे अपने अंदाज बयाँ को भी ताज़ा करने की कोशिश करे बैन ही एडवर्टाइजिंग के अंदर क्लाइंट सर्विस की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट के साथ रे को ताज़ा और जवान रखे और उनको जिंदा रखने की कोशिश करें अनफॉर्चुनेट स्टेज मैं इसको कहता हूँ टर्मिनेशन स्टेज जब ये ताल्लुक ख़त्म होते हैं या होने के इम्कान होते हैं ड्यू टू बंच ऑफ रीज एट समबल डिफरेंस में रिलेशनशिप मस्ट बी डिनेटेड और एंडेड द एजेंसी हैज एक न्यू कम्पीटिंग अकाउंट और द एजेंसीज क्रिएटिव वर्क डज नॉट सीम टू बी वर्किंग कई वजुआत हो सकती हैं इसमें तो दो वजुआत बयान की गई हैं तो हो सकता है एजेंसी को उससे बड़ा क्लाइंट मिल गया हो अपने क्लाइंट की कंपटिशन में आने वाला कोई क्लाइंट मिल गया हो फर्स किया जैसे मैंने मिसाल दी थी अगर टूथब्रश का एक क्लाइंट आपके पास था टूथब्रश बनाने वाला एक और क्लाइंट आपको मिल गया जो बड़ा क्लाइंट है जिसका बिजनेस बड़ा है और आप उसके लालच में इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आप दोनों को साथ रख नहीं सकते लेकिन इसको हम समझते हैं कि आप अपने पुराने क्लाइंट के साथ ज़्यादी कर रहे होते हैं आप अगर पुराने क्लाइंट को ये बता दें कि मुझे बड़ी ऑफर हो रही है तो हो सकता है पुराना क्लाइंट आपको बेहतर ऑफर के साथ दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करें लेकिन बहरहाल कोई रीज़न भी हो सकती है या एजेंसी अपने पुराने क्लाइंट से निजात हासिल करके उसके कंपेटिटर के साथ सौदा कर लेती है और एम साइन करती है और या फिर ये होता है कि खुद क्लाइंट जो है एजेंसी को स्विच ओवर करना चाहता है कोई रीज़न हो सकती है या क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है अपनी एजेंसी से उसका आर्ट वर्क ठीक नहीं है उसकी कापी राइटिंग ठीक नहीं है या उसकी मीडिया प्लानिंग ठीक नहीं है कोई वजह भी हो सकती है the way the termination is handled will affect both sides for a long time and is an important factor in whether the two ever get back together or not ye yahan ye kaha gaya ki is baat ka khayal rakha jaye ki jab aap parting the ways jab aap टर्मिनेट करें तो रिलेशनशिप इस तरह टर्मिनेट ना करें कि कल को दोबारा आपको रीज्वाइन करना पड़े शर्मिंदगी हो इसको पोलाइटली हैप्पीली एक दूसरे को टर्मिनेट करने की कोशिश की जाए ताकि ताल्लुक जो हैं उनकी बेहतरी जो है वो मुतासर ना होने पाए कल कल आपको दोबारा मिल बैठने या तो दोबारा एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पड़ जाए तो आप एक दूसरे के साथ मिलने में रिलेक्टेंट फील ना करें ना देर आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप जिसको हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे द एजेंसी अवॉयस एडवर्टाइजिंग ए क्लोज सब्सिट्यूट कम्पीटिंग प्रोडक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड एंगेजिंग द सर्विस ऑफ एनअर कम्पीटिंग एजेंसी ये बात हमने तफसी से डिस्कस की है पहले भी अब हम इसको दोबारा दोहरा रहे हैं कि जी क्लाइंट और एजेंसी रिलेशनशिप को अगर आपने स्ट्रेंथन रखना है तो फिर आप एजेंसी को चाहिए कि वो अपने क्लाइंट के कम्पीटिंग क्लाइंट के बिज़नेस को इनक्रेज ना करें और ये अनथिकल कंसिडर किया जाता है इसी तरह एक क्लाइंट को भी ये चाहिए कि वो अपनी एजेंसी को सर्विस इसम पर तब्दील ना करे यही असूल वहाँ पर भी रवा रखा जाएगा कोई दूसरी एजेंसी अगर उसको ऑफर करे और उसी तरह के मामलों में तो क्लाइंट को भी वही रवैया अख्तियार करना चाहिए जो एजेंसी इख्तियार कर रही है द एजेंसी रिसीव दी ग्रीन सिग्नल फ्राम द क्लाइंट फॉर ऑल द एक्सपेंसिस इनकर्ड ऑन हिज एडवर्टाइजिंग द एजेंसी कीव्स द मीडिया कमीशन फॉर इट सेल्फ एंड द क्लाइंट अंडर टेक्स टू फुट द बिल प्रॉम्पर्टली यहाँ यह कहा गया द एजेंसी कीव्स द मीडिया कमीशन फॉर इट सेल्फ एंड द क्लाइंट अंडर टेक्स टू फुट द बिल प्रॉम्पटली ये रिलेशनशिप उससे बेहतर होगी कि जब एजेंसी को मीडिया कमीशन मिले और क्लाइंट जो है वो अंडरटेक करे ये बिल जो है उसकी अदायगी फौरी तौर पर करें क्योंकि यही रिलेशनशिप को ख़राब करने का बायस बनती है लिहाजा रिलेशनशिप को बेहतर रखने का तरीका यह है कि इन दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए कमीशन तो की अदायगी और बिल की पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एजेंसी इफ़ द मीडिया ग्रांट्स एनी कैश डिस्काउंट ये बड़ी अहम बात है इफ़ द मीडिया ग्रांट्स एनी कैश डिस्काउंट इट इज़ फास्ट ऑन टू क्लाइंट the agency is not taken to task for media lapses in terms of scheduling positioning etc etc ek aur baat bhi hai baat ko kaha kaha gaya hai ki if the media grants any cash discount agar milta hai to usko ye cash discount jo hai apni agency ko bhi pass on karna chahiye इससे अच्छे relationship बनते हैं Agency के लोग जो हैं वो खुश होंगे कि देखें यार media ने कितना positive role play किया है ये एक आउट ऑफ जनरॉसिटी होता है ना देना चाहे तब भी लेकिन अगर आप तो ये कैश मिलता है और आप इसे पास ऑन करते हैं तो यू आर स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप विद एजेंसी सिमिलरली नीचे कहा गया कि एजेंसी जो है वो उसको इस बुनियाद पर मूर्द ना ठहराया जाए कि अगर मीडिया पर कोई टाइम तय हुआ था स्कैड तय हुआ था कि पाँच बजकर दस मिनट पर तो उसमें कोई तब्दीली आ गई है इसकी जिम्मेदारी एजेंसी नहीं है एजेंसी के पीछे ना पड़ा जाए एजेंसी को इसका मूर्द इल्ज़ाम ना ठहराया जाए यह पोजिशनिंग बात ही होती है वो डिपेंड करता है मीडिया के अंदर बात ऐसे हालात होते हैं कि आपको पोजिशन करना पड़ता है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप अब वो फैक्टर जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं यानी ये जो फैक्टर बयान किया गया अभी ये वो हैं जो आपके ताल्लुक को बेहतर बनाते हैं कि देखें जी इन्होंने कमीशन में जो कैश आया वो हमें पास ऑन भी कर दिया ना करते छुपा लेते बिज़नेस ले लिया नहीं लिया उन्होंने बिज़नेस उन्होंने कहा नहीं हम अपने कंपटीटर्स का बिजनेस नहीं लेंगे तो ये काम तो वो था जिससे ताल्लुक बेहतर हुए लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिससे तल्लक मुतासर हो सकते हैं वो क्या हैं फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस द एजेंसी क्लाइंट्स रिलेशनशिप कैन बी ग्रुप्ड इन टू फोर सीज नंबर वन केमिस्ट्री नंबर टू कम्युनिकेशन नंबर थ्री कॉन्डक्ट एंड नंबर फोर चेंजेस लेट अस टेक वन बाई वन केमिस्ट्री

और कभी कभी वो अनस्केजुअल भी आ जाते हैं जब वो अनस्कैजल आते हैं आपके साथ अपॉइंटमेंट तय नहीं हुई आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते आप उन्हें प्रॉपरली अटेंड नहीं करते आपका बिजनेस अफेक्ट होगा आपकी केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगी यही लोग जाकर ऊपर रिपोर्ट करेंगे कि जी देखें उन्होंने बिजनेस ले लिया अब वो उन्होंने आंखें मथे पर रख ली है दे आर नॉट डीलिंग आज प्रॉपरली तो आपको होल्ड ऑन अपने सीने पर हाथ रखें और जब्त का मुजाह करते हुए उन्हें प्रॉपरली स्माइल देकर अटेंड करें कोई हर्ज नहीं आप टेलीफ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं टेलीफोन कहाँ से लगाकर स्माइल देकर उनको बैठने का इशारा कर सकते हैं आप तो रखिए और अगर अपॉइंटमेंट तय है तो फिर तो आपको बड़ा फार्मल होना पड़ेगा उनकी तोज़ो भी करनी पड़ेगी इलाह कुर्सी मेज़ पर बैठ कर जब आप इंतज़ार करेंगे तो उन्हें पता लगेगा आपने उन्हें फार्मली अटेंड किया है आप उन्हें लेटर लिखते हैं आप रिमाइंडर भेजते हैं हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपकी मीटिंग है दे विल टेक इट सीरियस देखें जी हमें उन्होंने फैक्स किया है कल मीटिंग है फिर रिमाइंडर भेजते हैं लुकिंग फॉर्वर्ड टू सी यू टूडे इन आर ऑफिसलीस्टर स्टूडेंट सो आप फील करते हैं इंपॉर्टेंस आप वहाँ जाते हैं आपको रिसीव करने के लिए बार बंदा खड़ा होता है गेट खुला होता है दरवाज़ा खुला है सीधे जा रहे हैं वेलकम तो ये जो रिलेशनशिप है ये बुनियाद है ये विंडो डिस्प्ले जैसे मैंने शुरू में भी गुजारिश की ये आपके सारे बिजनेस का बेड़ा गर्क भी कर सकता है और ये बैठे हुए बिजनेस को उठा भी सकता है तो केमिस्ट्री इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्टर ऑफ वाइन एंड डाइन देयर क्लाइंट्स इन होप्स ऑफ इम्प्रूविंग इट स्मार्ट क्लाइंट्स डू द सेम हम तो अपने मुआशा भी नहीं कर सकते लेकिन हम तबादो कर सकते हैं हम गर्मजोशी का मुजाह कर सकते हैं सेकेंड कम्युनिकेशन ओ माई गॉड कम्युनिकेशन इज द सेंट्रल पॉइंट कम्युनिकेशन इंसान को दुश्मन बना सकती है कम्युनिकेशन इंसान को दोस्त बना सकती है आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेट करती है आपकी जबान भी कम्युनिकेट करती है आपके हवा से खमसा भी कम्युनिकेट करते हैं आपकी एक एक अदा कम्युनिकेट कर रही होती है आप एक पैगाम दे रहे होते हैं आपकी मुस्कुराहट एक पैगाम दे रही होती है आपकी आंखों से पता लग रहा होता है कि यू आर नॉट वेरी टू अटेंड द क्लाइंट्स रिप्रेजेंटेटिव सब बातें मैटर करती हैं फिर दिन जेंटलमैन अगर दो और तीन अफराद आपके डील कर रहे हैं एक उधर देख रहा है एक उधर देख रहा है और एक अटेंड कर रहा है एम्बेरसिंग है दूसरी टीम के लिए कहने को ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये फर्क डालती हैं आपसे मिलने को ही आ रहा आपका टेलीफोन बज रहा है टेलीफोन उठा के नीचे रख दीजिए अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए उनके सामने बंद कीजिए ताकि उन्हें पता लगे कि आप उनके साथ मुलाकात को कितनी अहमियत दे रहे हैं आप उनके साथ कम्युनिकेशन को कितनी अहमियत दे रहे हैं उनकी बात सुने कम्युनिकेशन के अंदर रिसेप्टिव होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर यू ए गुड रिसीवर आर यू रिसेप्टिव टू योर क्लाइंट्स आप उनके साथ प्यार से उनके गुतों को सुनते हैं और फिर जहाँ मुमकिन होता है मुनासिब होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कम्युनिकेशन बाई बोथ एजेंसीज एंड क्लाइंट्स लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन टू पुअर एडवर्टाइज यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती आपकी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर हो आप जो बात कहें जो बात लिखें बड़ी वाज हो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या, क्या हैं ये ना हो कि ऑब्जेक्टिव लिखे जाएं एक इंटरप्रटेशन कोई और कर रहा हो और दूसरा उसकी इंटरप्रटेशन कुछ और कर रहा हो जो चीज़ लिखी जाए उसकी एक ही इंटरप्रटेशन होनी चाहिए एक ही तश्री होनी चाहिए उसके एक ही मना नहीं चाहिए हर चीज़ में क्लैरिटी हो ब्लैक एंड वाइट के अंदर ताकि चीज़ें समझने में मुश्किल पेश ना आए कॉन्स्टेंट ओपन कम्युनिकेशन एंड एंड एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट ऑन म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और म्यूचुअल गेन आर की गें गुड रिलेशनशिप मैंने अभी अर्ज़ किया क्लैरिटी के साथ वाज हो क्या करना है क्या नहीं करना वाज तौर पर चीज़ें साइन हो क्लियर हो समझ ली जाएँ ये चीजें रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में मदद देती हैं कॉन्डक्ट दिससेटिस्फेक्शन विद एजेंसी परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एजेंसी स्विच इज रिगार्डलेस ऑफ कंट्री ये बात पहले भी हमने कही द सर्विस द एजेंसी मार्केटेड टू ईर्स अगो मे नॉट बी परसीव्ड बाय द क्लाइंट इन द सेम वे टुडे द क्लाइंट चेंजेस टू डज द क्लाइंट गिव एजेंसी टाइमली एक्ूरेट इन्फॉर्मेशन डज द एजेंसी अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स मार्केटिंग प्रॉब्लम्स सारी बातें यहाँ कभी एजेंसी अगर परफॉर्म नहीं करेगी उसका कंडक्ट ठीक नहीं होगा क्लाइंट ज़्यादा देर तक लॉयल नहीं रहेगा आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या क्लाइंट आपको समझ रहा है जो आप कहना चाह रहे थे शुरू में मैंने अर्ज़ किया क्या जो प्रोफेशनल आइडियाज़ आप दे रहे थे क्या क्लाइंट आपके आइडियाज़ के लिए रिसेप्टिव था और जो क्लाइंट आपको कहना चाह रहा था कि आप क्लाइंट को प्रॉपर प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर रहे थे या ये कह रहे थे कि नहीं हम तो प्रोफेशनल है जनाब हमारी सारी ज़िंदगी गुजर गई इश्तहारबाजी का काम करते हुए आपको पता नहीं है जी हम हम तो हम तो काम ही यही है करते हैं आप तो कारोबारी आदमी हैं उनसे पूछें आपने उस पर अपने प्रोफेशनलिज्म का रोप डालने की कोशिश की या आप रिसेप्टिव थे कि वो क्या चाह रहा है और आपने फिर हैंडल किया तो कैसे हैंडल किया ये सारे वह सवालत हैं जिसके जवाबाद के लिए आपको तैयार रहना चाहिए तो अगर यहाँ पर कंडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप अपना क्लाइंट खो बैठेंगे डज द क्लाइंट अप्रिशिएट गुड वर्क और डज इट ट्रीट द एजेंसी लाइक ए वेंडर ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि कभी आप मुतमिन नहीं होते आप कहते हैं यार ये हमने क्लाइंट खाम खां का पाल लिया हमें ना तो इससे कोई फायदा है ना कोई बिजनेस है खाम खाँ के ये आ डालता है और इसको कोई ना अप्रिशिएशन है ना इससे अप्रिसशन है हमारे काम की ना इसे कदर है और ना ये बिजनेस के बारे में कुछ सीरियस है तो आप भी ये अपने आप से सवाल करते हैं शुड वी कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ क्लाइंट और नॉट चेंजेस चेंजेस अकर इन एवरी रिलेशनशिप अनफॉर्चुनेटली डैमेज द रिलेशनशिप द क्लाइंट्स मार्केट पोजिशन और पॉलिसीज मे चेंज और न्यू मैनेजमेंट मे अराइव एजेंसीज मे लूज की स्टॉक पीपल ये अक्सर होता है कि जिसके साथ आपने बिज़नेस लिया है वहाँ जो इंतज़ामिया थी जो उनका सेल्स डिपार्टमेंट था जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता था वो तब्दील हो गया वो आपको नहीं जानता आपके साथ रिलेशनशिप सही नहीं है या आप उनके साथ सही रिलेशनशिप मेंटेन करने में नाकाम रहे और या हो सकता उनके जहन में कोई और एजेंसी हो वो आपके साथ बिजनेस रखना नहीं चाहते हों एक ये वजह हो सकती है ताल्लुक को टर्मिनेट होने की तब्दीली आ गई आपके जिससे आपके ताल्लक़ अफेक्ट हो सकते हैं एक और चीज़ भी है कि समेंसी मे लूजा पीपल के अच्छे लोग बातों का एजेंसी के होते हैं वो भी जगह छोड़ के चले जाते हैं जिनकी वजह से एजेंसी चल रही होती है ख़ास तौर तो पर हम देखते हैं क्लाइंट सर्विस क्लाइंट सर्विस के लोगों को कहते हैं कि एजेंसियाँ क्लाइंट सर्विस के लोगों के पाँव पकड़ के बैठ जाती हैं कि ये कहीं भागने ना पाएँ क्योंकि इनके पास हर एजेंसी के सीक्रेट्स होते हैं कि किस तरह उनकी एजेंसी ने बिज़नेस हासिल किया लिहाजा इनके पास ट्रेड सीक्रेट भी होते हैं कि इन्होंने किस तरह किस क्लाइंट को हंड किया लिहाजा कोशिश की जाती है कि इनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ गाड़ियाँ दे दी जाती हैं लोन दे दिया जाता है ताकि ये लॉन्ग पीरियड तक उस एजेंसी के साथ वापसता रहें लेकिन जब ये लोग चले जाते हैं इधर उधर या इनकी क्रिएटिव टीम चली जाती है तो फिर एजेंसी पर की रिलेशनशिप पर फ़र्क पड़ता है अगर जाहिर है क्लाइंट सर्विस तो अच्छी है लेकिन क्लाइंट सर्विस जो चाहता है उसको अमली शक्ल देने के लिए क्रिएटिव डिपार्टमेंट बड़ा कमज़ोर है उनका आर्ट एंड प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट उसको रियलिटी में ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा उसका इम्पेक्ट नहीं आ रहा तो आप फिर बिजनेस लूज़ कर देते हैं तो ये सब चीज़ें असरानंदाज होती हैं क्लाइंट और एजेंसी रिलेशनशिप पर क्लाइंट कन्फ्रेंस में वन एजेंसी बाइज अनदर

परमिशन फ्रॉम क्लाइंट्स कि उससे ज़्यादा चाहिए तो ये वो चीज़ें जिससे आपके ताल्लक़ अफेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली अगर इसे आप वायलेट करें द बेस्ट वे टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन क्लाइंट्स एंड एजेंसीज वुड बी टू हैव स्टाफ मेम्बर्स चेंज प्लेसिस फॉर एड ये भी होता है एक तरीका बयान किया गया ताकि रिलेशनशिप कायम रह सके लोगों को बदलते रहें ताकि हर बंदा ट्रेंड होता रहे यानी क्रिएटिव डिपार्टमेंट है उसके बंदे कभी क्लाइंट सर्विस में आ जाएं क्लाइंट वाले क्रिएटिव में आ जाएं ताकि लोग किसी के जाने से काम रुकने ना पाए इन एडिशन क्लाइंट सर्विस पीपल नीड टू राइट कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट्स और क्या काम करते हैं क्लाइंट सर्विस के लोग इस कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्ट में क्या होता है इसमें जितनी मीटिंग्स होती हैं उनकी प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड जितनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ये कॉन्ट्रेक्ट रिपोर्ट लिखने से ये होता है कि इससे पता चलता है कि यू आर इन सीरियस बिजनेस आप संजीदा उसका रिकॉर्ड रखते हैं उसकी कापियाँ कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भेज देते हैं ताकि एक कापी जो है वो क्लाइंट के पास हो एक कापी आपके कापी राइटिंग वालों को पास के पास हो एक मीडिया प्लानिंग के पास हो क्लाइंट सर्विस के पास हो इसका रिकॉर्ड हो ताकि अगली मीटिंग का एजेंडा और प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया जा सके एग्रीमेंट्स अराइव एट ड्यूरिंग द मीटिंग विद दी क्लाइंट्स इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है एक यहाँ बात कही गई है कि जब भी आप डिस्कशन में कहीं फंस जाए तो फौरी तौर पर जवाब देने की कोशिश ना करें टेक टाइम और अगली अपॉइंटमेंट ले लें अगली अपॉइंटमेंट लेने से ये फ़ायदा है कि आप वापस अपनी एजेंसी में आते हैं क्योंकि ये टीम वर्क है देर इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्रिएटिव डिपार्टमेंट क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट मीडिया प्लानिंग डिपार्टमेंट ये सब मिलकर एक ब्रीफ तैयार करते हैं तब जाके आप क्लाइंट को डील करते हैं आप वापस आएँ आपस में मशवरा करें कि भी हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए हमने कैसे इसको हैंडल करना है तो उसका एक जवाब तैयार होता है कि क्या शुड वी लूज़ द क्लाइंट क्योंकि वो एक हमसे एक ऐसी बात पर इसरार कर रहा है जो हमें प्रोफेशनली हमें सूट नहीं करती या हमें अपने क्लाइंट को लूज़ नहीं करना चूँकि पार्टी बहुत बड़ी है लेकिन कैसे हमने बायजार तरीके से इसको हैंडल करना है ये सवाल ही है जिसके जवाब इंसान तलाश करता है और मशावरत से करता है इस तरीके से स्ट्रेटजी क्या है स्ट्रेटजी ये है कि हमने कंज्यूमर को ये बताना है कि हम उसके फायदे में कैसे सोच रहे हैं कंज्यूमर बेनिफिट इज़ द सेंट्रल पॉइंट वी मेक हिम और हर रियलाइज के इट इज़ इन योर बेनिफिट बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम जो मशवरा दे रहे हैं ये हमारा प्रोफेशनल एडवाइस ये आपके बिजनेस के मफाद में है ये सेंट्रल पॉइंट है हमारी हमत अमली का जो हम क्लाइंट के साथ तय करते हैं यू मे पोलाइटली इंसिस्ट ऑन क्रिएटिव डिसप्लिन बात डिसिप्लिन आपका होगा आप कहेंगे यार इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे बट नीड टू तो बी पोलाइट आप इसार कर सकते हैं कि देखें इससे जी ये मामला ख़राब हो जाएगा क्या ख्याल है आप इस बात को हम पर छोड़ दें लेकिन यू नीड टू बी वेरी पोलाइट इसलिए कि आपके रवैये से आपका बिजनेस जो है वो वापसता है बट रिमेंबर रूल्स आर नॉट स्टार्टिंग पॉइंट ये कहा गया कि आप स्टार्ट से रूल्स बता शुरू कर दें लुक दीज आर डूज एंड डू नाट्स हमने ये करना ये नहीं करना ऐसे नहीं होगा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश ना कीजिए मेक श्योर दैट देट राइट वर्क गेट्स डन वेन द क्लाइंट्स वॉन्ट्स इट इफ नॉट बिफोर वक्त पर काम देना ये आपकी पहचान है इट विल लीव ए गुड इम्प्रेशन ऑन क्लाइंट्स लेकिन अगर आप वादा करते हैं एट टाइम वन पर हम काम करके देंगे और पूरा नहीं होता इट विल लीव ए बैड इम्प्रेशन कीप द क्रिएटिव पीपल इन्वॉल्व इन योर बिजनेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए कि क्रिएटिव पीपल के साथ आपको बार बार राबता करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट एतराज़ उठाएगा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है आप फिर आएंगे क्रिएटिव लोगों के पास कि यार इसमें ऐसे कर दो और वो आपकी हेल्प करेगा फिर जाएगा फिर इसको कोई चीज़ और पसंद नहीं आएगी फिर आप जाएंगे क्रिएटिव बंदे के पास उसके अंदर आर्ट वर्क या डिज़ाइनिंग में कोई तो फ़र्क डालेगा यू नीड द पीपल ऑफ़ क्रिएटिव डिपार्टमेंट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन बुनियादी तौर पर हमने चीज़ तय की कि क्लाइंट सर्विस किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है ये उसके लिए रीढ़ की हड्डी भी है ये उसका दिल भी है ये उसका निज़ाम तनफस भी है जिससे वो सांस लेता है जिससे उसका पूरा जिसम जो है ज़िंदा रह सकता है जितना क्लाइंट सर्विस का शोबा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉग एडवर्टाइजिंग एजेंसी की मुशी हालत होगी खतिन हजरात हमने क्लाइंट सर्विस पर दो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं उम्मीद है कि आपको क्लाइंट सर्विस क्या होती है ये किस तरीके से क्लाइंट और एजेंसी रिलेशनशिप को हम इस्तेकाम दे सकते हैं इसके बारे में आपको आ गई हुई होगी इन उम्मीद की जाती है कि आप इससे मुतल एक्सरसाइज बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे शुक्रिया